साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है ये साहब। आपने सिद्धांत के उसूल है, अच्छा ताकि दुकान चलती रहे, सिद्धांत के उसूल है फतवा, ताकि ताकि इस्लाम का हिस्सा जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर, अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? ना, ना, मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने भाई नहीं देखता, नहीं देखते, मैं नहीं देखता आज तक कोई, और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं, देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं, नहीं देखा। 15 साल की मुस्लिम बच्ची भगवान श्री कृष्ण का वेशभूषा धारण करके गीता के श्लोक पढ़ती है, तो भाई इस्लाम के ठेकेदार, एक धर्म के ठेकेदारों को भाई जो है ये बात सहन नहीं होती है कि एक मुस्लिम लड़की सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, तो वो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं भाई, और उसके ऊपर फतवा जारी करने की बातें करते हैं। आज उस लड़के इंटरव्यू लेकर के आए हैं, और वीडियो थोड़ा पुराना सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और लड़के कॉन्फिडेंस आपको बहुत जो है उत्साहित करेगा, तो चलिए वीडियो देखते हैं। आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना जी? क्या कह रहे थे वो? 31st में जब मैं मेरठ आई, हाँ, तो 31st में तो नहीं बट 1st जनवरी, हाँ, जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ हाँ, न्यूज़पेपर में। मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। हाँ, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है ऋषि जी? नहीं नहीं, देखिए ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा, एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है, सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जैसे जो एक्टर्स हैं, हाँ, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार अच्छा, में आकर, आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? ना, ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना नहीं, आपका नहीं, स्टैंड? नहीं, 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 नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना? कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है? बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं? अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा, सुनिए सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है जो आदमी किसी किसी कौम का, दर्शक व्याकुल हो रहे, नहीं देखता मैं भाई, नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं, देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत? मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं सुन तो लीजिए, मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है, और मैं एक बात, सिर्फ एक बात कहता हूँ, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका अख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन इस्लामी, जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। क्यों? मैं इतराज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? एक अलग, देखिए एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है, देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, नहीं मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है, उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है, एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसार साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों उसको उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? और अच्छा होता क्या होता? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा, आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे? देखिए सर, कि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं, तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है, और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसको उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू, एक बात आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत अदब के साथ जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई जी,
यानी इस्लाम की बेसिक रूल आपको पता नहीं है लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है, क्योंकि सर तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। आप एक मुसलमान हैं, चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए, यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं, उलेमा उलेमा या उलेमा क्या कहना इसको बिचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। कल को अगर आपसे कहा जाए, कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने फतवा बेसिक है इस्लाम का, क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे। सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि ताकि इस्लाम का हिस्सा है फतवा। मैडम इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा है ना, बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कौन सी बात हो गई? धर्म का मतलब मौलाना अंसारी साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया। नहीं, इस्लाम का मतलब छोटा क्या मतलब? फतवा इस्लाम का हिस्सा है। एक चीज है जनाब, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया, और क्या? ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसको हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा अपनी चीज ज्यादा बेहतर है मोहम्मद साहब ने कहा है। मुझे याद है, सुनो, मुझे याद है, आप उनकी बात सुनिए। मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद साहब जवाब देना चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं। सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूंगी, जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। फिर जी गलत है, जी गलत है, गलत है ना, बट उनपे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा हिंदुस्तान के लिए आपका जज्बा और जो जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच, वो बताइए मैम। देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ है सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और अगर हम एक इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और ये सब इंसानियत का ही मैसेज देते हैं, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सारे इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। मजा भाई, देखा हमने कैसे एक 15 साल की लड़की के ऊपर फतवे जारी करने की बातें चल रही है। उस लड़की को मोटिवेट करने की वजह भाई उसको दबाया जा रहा है, उसके बातों को दबाया जा रहा है, उसके विचारों को दबाया जा रहा है। भाई मुस्लिम लड़की थी, आपने सुना होगा, देख ली वीडियो में, 15 साल की मुस्लिम लड़की थी भाई, उसने जो एक स्टेज प्रोग्राम हुआ तो उसने जो है उसमें भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक थे उसने पढ़े, तो उसने जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो है वेशभूषा को धारण किया, और वो धारण करने के बाद उन्होंने जो है स्टेज पर परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस के बीच में भाई जो उन्होंने जो भगवत गीता के श्लोक बड़े बड़े प्यारे भाषा में, मतलब बहुत ही प्यारे और मधुर सुनने में लग रहे थे इनके श्लोक, तो उसके बाद जो एक धर्म के ठेकेदार है भाई, ठेकेदारों ने भाई जो इस लड़के ऊपर फतवा जारी करने की बातें बोल दी, बोला कि तुम तो एक धर्म के लिए एक विनाश का कारण हो, तुम हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, तुम एक मुस्लिम लड़की होकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। अब भाई मानने वाली बात इसमें है भाई, बच्चे हैं उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है कि गलत चीजें क्या है, अच्छी चीजें क्या, लेकिन वो बच्चे खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि भाई कौन से धर्म में कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बुरी है, कौन सी उन्हें सीखनी चाहिए और उन्हें कौन सी सीखनी नहीं चाहिए। भाई पहले अनपढ़ बच्चे होते थे, भाई अनपढ़ होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ाई जाती थी, तो उन्हें जो बताया जाता था वो उसी बात को सच मानते थे, लेकिन आज के जो बच्चे भाई बहुत ही अपडेटेड बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो बहुत समझदार हो चुके हैं, तो अच्छे का और गलत का पहचान कर सकते हैं। इस वजह से मैं लड़की जो पूरा डिबेट कर रही हूँ भाई, सैल्यूट है मेरे को इस बहन के लिए, और इस बहन के लिए मेरा सैल्यूट है भाई, और इन धर्म के ठेकेदारों के लिए बारे में भाई बहुत ही छोटी सोच रखते हो यार तुम लोग, एक बच्चे के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो प्लीज कमेंट करके दोस्तों आप बताइएगा आपकी क्या राय है, सारे जो है पूरी बातों के ऊपर आपकी क्या राय रखते हो और क्या आप कह रहे हो, प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।